कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइस्तान। और आज की विश्व न्यूज शुरू करता सबसे पहले न्यूज आ रही है पुणे एयरपोर्ट से। पुणे एयरपोर्ट 14 डेज के लिए बंद रहने वाला है बिकॉज उसके रनवे रीसर्फेसिंग का काम चालू होगा। तो ये डेट्स रहेगी अप्रैल 26 टू मे 9th। एंड ये एयरपोर्ट इस दिन पे 8 PM से लेके 8 AM तक बंद होगा। तो कोई फ्लाइट पुणे एयरपोर्ट पे ये टाइम पे ये दिन पे लैंड नहीं करेगी। अगली खबर आती है दोस्तों इंडिगो से। इंडिगो के CEO का ऐसा कहना है कि एंड ऑफ 2021 तक इंडिगो प्री कोविड सिचुएशन तक पहुंच जाएगी। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट ऐड किया है कि इंडिगो के जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है वो फिलहाल 28% पे है एंड जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस है वो 80% प्री कोविड सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि रिकवरी बहुत अच्छी है एंड 100% कैपेसिटी पे बहुत जल्द यानी कि एंड ऑफ 2021 तक वो पहुंच जाएंगे। एंड इंडिगो के CEO ने कुछ महीनों पहले भी ऐसा कहा था कि वो बहुत जल्द हायरिंग भी चालू करेंगे। अगली खबर आती है एथियाड एयरवेज और एमिरेट्स एयरलाइंस से। इन दोनों एयरलाइंस ने सऊदी अरेबिया के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी है बिकॉज सऊदी अरेबिया ने एक नया डायरेक्टिव इश्यू किया है जिसमें लिखा है कि 20 कंट्रीज से पैसेंजर्स बैंड है। बट ये रिस्ट्रिक्शंस सऊदी नेशनलिस्ट एंड सिटीजन्स, डिप्लोमैट्स, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड उनके फैमिलीज के लिए वैलिड नहीं है। तो इन 20 कंट्रीज का नाम है अर्जेंटीना, UAE, जर्मनी, USA, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राजील, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लेबनन, इजिप्ट, इंडिया एंड जापान। तो इन कंट्रीज से आप अभी फिलहाल सऊदी अरेबिया को ट्रैवल नहीं कर सकते एंड इसी वजह से एथियाड एयरवेज एंड एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी अपने फ्लाइट्स सस्पेंड कर दिए हैं। अगली खबर आती है गो एयर से, जिन्होंने अपना नया रूट अनाउंस किया है जो है हैदराबाद से माले मालदीव्स। तो मैं अगर एग्जैक्ट डेट बताऊँ इसके कमेंसमेंट का तो वो है 8 February जो है कल। तो वीकली 4 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी ये रूट पे गो एयर की तरफ से जो चलेगी 27 March तक। तो 27 March तक आप गो एयर से हैदराबाद टू माले ट्रैवल कर सकते हो एंड इसका इंट्रोडक्टरी फेयर है 7,811 rupees। तो अगर किसी को बुक करना रहेगा तो गोवर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये टिकट्स बुक कर सकते हैं। अगली खबर आती है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने ऐसा कहा है कि वो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के थर्ड फेज में अराउंड 6 to 10 एयरपोर्ट्स फिर से प्राइवेट करने वाली है एंड इसके लिए भी टेंडर्स बहुत जल्द फ्लोट किए जाएंगे। एग्जैक्टली कौन कौन से एयरपोर्ट्स है इसमें उनके नाम फिलहाल तो पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है बट जैसे ही वो नाम डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे तभी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसा भी कहा है कि जो एयरपोर्ट्स कम प्रॉफिटेबल है उसे एक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के साथ मिक्स करके एक पैकेज के वे में उनके टेंडर्स फ्लोट किए जाएंगे। अगली खबर आती है गुजरात से, जहाँ की सी प्लेन सर्विस फिर से सस्पेंड कर दी गई थी मेंटेनेंस के लिए। तो ये एयरक्राफ्ट फिर से मालदीव ट्रैवल किया था वाया गोवा एंड कोचिन। तो ये एयरक्राफ्ट फिलहाल वापस आ गया है एंड इसके सर्विसेज फिर से चालू हो गई है। अगली खबर आती है दोस्तों इंडिगो एयरलाइन से वापस, जिन्होंने कैडेट पायलट प्रोग्राम चाइम्स एविएशन अकेडमी जो इंडिया में है उनके साथ कोलैबोरेट करके इंट्रोड्यूस की है। तो स्टार्टिंग में 15 कैंडिडेट्स इंडक्ट किए जाएंगे एंड इसकी कॉस्ट ऑफिशियली तो आउट नहीं है बट अट सुनने में आ रहा है कि इसकी कॉस्ट अराउंड 82 से लेके 85 lakh rupees तक होगी। तो अगर किसी को इंडिगो का कैडेट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगली खबर आ रही है एयरबस से, जिन्होंने इंडिया के फ्लाइट टेक एविएशन एकेडमी के साथ पार्टनरशिप की है ड्रोन पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। तो फिलहाल ड्रोन पायलट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड जो ड्रोन्स करंटली उड़ाते हैं वो कोई भी लोग उड़ा देते हैं एंड इसमें सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो इसी को मिटाने के लिए ये MOU साइन किया गया है दोनों कंपनीज के बीच में एंड ये कोर्स जो कंप्लीट करेगा उन्हें ड्रोन पायलट का लाइसेंस मिला जाएगा जो फ्यूचर के हैवी ड्रोन जो होते हैं वो उड़ा पाएंगे। छोटे मोटे ड्रोन्स को कोई भी उड़ा सकता है बट जो बड़े हाई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स होते हैं उनके लिए ये लाइसेंस दिया जाएगा। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज की विश्व न्यूज़ यही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट में बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।